भोपाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार ये यात्रा मणिपुर से होकर महाराष्ट्र तक चलेगी, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी महिला प्रवक्ता मंजरी जी ने कहा, जिस कांग्रेस ने जीएसटी जनता के साथ अन्याय किया, इस भारत को तोड़ने का पाप किया, वह कांग्रेस आज न्याय यात्रा निकाल रही है। उनको अपने घरवाल में झांक के देखना चाहिए। जिस जनता के साथ दशकों तक अपने अन्याय किया, लूटते रहे, उन्हें आपस में लड़ते रहे, कभी इस देश को आपने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज आप न्याय की बात करते हैं। मैम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर शुरू हो रही है, मणिपुर से लेके इस बार महाराष्ट्र तक जाएगी। बार बार कांग्रेस न्याय की मांग कर रही है, क्या लगता है इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? जिस कांग्रेस ने देश की जनता के साथ अन्याय किया, इस भारत को तोड़ने का पाप किया, वो कांग्रेस आज भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाल रही है। उनको अपने गिरिबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस जनता के दशकों आप उनके साथ अन्याय करते रहे, उनको लूटते रहे, उनको आपस में लड़ाते रहे, संघर्ष खड़ा करते रहे, कभी इस देश को आपने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, इस जनता के लिए कोई अच्छे काम नहीं किए, उनके सामाजिक जीवन स्तर को उठाने का काम नहीं किया, आज आप न्याय की बात करते हैं। मैं समझती हूँ जिस देश में इस कांग्रेस ने दशकों राज करने के बाद भी जनता के कल्याण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी चाहे वो दलित समुदाय हो चाहे आदिवासी समुदाय हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई, गरीब को गरीब रहने का काम करने दिया, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। शिक्षा के अगर इनका ये एक फंडा था कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वो हमारे से प्रश्न पूछेगा, सो हर व्यक्ति को अशिक्षित रहने के लिए इन्होंने प्रेशर दिया, ना कोई योजनाएं बनाई इसको शिक्षित करने के लिए, तो अशिक्षित रहे, गरीब गरीब रहे और ये राज करते रहे, तो ये इनकी नीति थी। मैं समझती हूँ आज जनता जो है वो इनके चरित्र को पहचान चुकी है, इनकी क्या नीति है, क्या नियत है और क्या इनका दोगलापन जनता के साथ रहा, और तुष्टीकरण की जो इन्होंने राजनीति की इस देश के अंदर जातियों में बांटने का जो काम किया, तो जनता जानती है और इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका जवाब देगी। और चाहे ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले या न्याय यात्रा निकाले, जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। बार बार आरोप लगाते हैं महंगाई और बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन दोनों चीजों को बढ़ावा दिया गया है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी जैसे शब्द तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करते थे, तब जनता भुखमरी से मरती थी। भुखमरी एक ऐसा शब्द था जब कांग्रेस शासनकाल में ही चलता था। आज हम देश के 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन दे रहे हैं। 13,000 करोड़ लोग जो है वो शासन की नीतियों के कारण ही आज गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आए हैं, और आज प्रति व्यक्ति जो आय बढ़ी है वो उसका परिणाम वो कारण उसका ये रहा कि जो हमारे शासन की जो योजनाएं रही, जो सरकार की योजनाएं रही गरीब कल्याण की, उस वजह से आज जो जनता है वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रही है। हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो, शौचालय हो, बिजली हो और नल की टोटी से हम उनके घर तक पानी पहुंचा सके, ये सपना जो उनका पूरा करने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जनता पूर्णतः विश्वास करती है कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है, इस देश के विकास के लिए भी और गरीब कल्याण के लिए भी।